हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक हियर एंड वेलकम टू योर चैनल हैप्पी फिश कीपिंग डॉग केयर। एंड टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट सिल्वर डॉलर। तो आज का वीडियो सिल्वर डॉलर पे है। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। तो मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और मैं क्या बताऊँ कि इस बारे में मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, पर्सनल इशूज़ था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए हैं मुझे अभी रिकवर होने में। फ़िलहाल अभी कुछ परसेंट तक तो हूँ मैं, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ये भी सही हो जाएगा। तो वीडियो पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा टैंक है ये 4 फीट बाई 1.5 बाई 2 फीट का है। तो इसमें मैंने एक सिल्वर डॉलर और अदर फिश का कम्युनिटी टैंक बनाया हुआ है, जिसके अंदर जाइंट गौरामी सिल्वर डॉलर, ऑस्कर टाइगर, ऑस्कर रेड ज्वेल, प्लेको फिश और एक नाइप फिश पड़ी हुई है। ठीक है, ये काफ़ी पीसफुली रह रहे हैं। सिल्वर डॉलर मेरे पास करीब 8 to 9 या 11th month हो गया है। इसकी साइज़ अभी 4 इंच होगी, 4 इंच के लगभग या 3.5 अप्रॉक्सीमेटली इतनी इसकी साइज़ होगी सिल्वर डॉलर की। तो ये एक अच्छी कम्युनिटी फिश है और ये मिड रेंज की फिश है, मतलब ये मिड लेवल में, वाटर के मिड लेवल में स्विम करती है। तो हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। इसका ओरिजिन ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील में पाई जाने वाली फिश है, बट क्या है कि अब ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। और हॉबिस्ट की, सबकी बात नहीं बता सकता, बट लगभग हॉबिस्ट की फेवरेट फिश है। इसका क्या है कि इसका जो एनल फिन है, जो इनकी पीछे वाली फिन्स हैं, सारी फिन्स, उस पर रेड मार्किंग आ जाती है, रेड मार्किंग आती है। और मैं बता दूं कि ये सिल्वर कलर की होती है और ये क्वाइन में बढ़ती है, मतलब जैसे कि डिस्कस की साइज़ होती है ना, बस उसी तरह ये ग्रोथ करती है। इसके भी साइज़ को उसी की तरह डिनोट करते हैं, जैसे कि क्वाइन साइज़ हो गया, एक बैंगल साइज़, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ये सारी साइज़ हो गया। और मैं कुछ भी सोच के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसको जज मत करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके फीडिंग पे। इस फीडिंग क्या कहते हैं, ये प्योर वेजिटेरियन फिश है, इसे मीट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अगर आप इसे वॉर्म्स देंगे, जो वॉर्म्स होता है, तो वो अच्छे से वॉर्म्स खाएगी। और मैं इसे तो फ़िलहाल पैलेट्स देता हूँ, ये डिस्कवरी का, यही मैं फीड सारों को करता हूँ। डिस्कवरी का फीड देता हूँ और उसके बाद इसके पीएच के बारे में बात कर लिया जाए। तो इसका जो पीएच है 5 से लेके 7 तक है। इसके वाटर टेम्परेचर के बारे में बात की जाए तो इसका वाटर टेम्परेचर 25 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन ये कभी कभी ओवरहीट भी हो जाता है एक्वेरियम, बट फिशेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं बात कर लेता हूँ कि इसके वाटर को मैं कैसे मेंटेन करता हूँ। तो मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, 1 महीने में 20-40% वाटर चेंज करता हूँ और उसके साथ मैं साइफनिंग भी करता हूँ। मेरे एक्वेरियम में आप देख रहे होंगे कि ड्रिफ्ट वुड है, DIY रॉक्स हैं जो कि मैंने खुद ही बनाया है, और बिल्डिंग मटेरियल्स वाले सैंड्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाले सैंड्स हैं। और ये सैंड्स की खूबी क्या होती है कि ये जितने भी गंदगी होता है, फिश की पॉटी या एक्सेट्रा कुछ भी डस्ट वस्ट, ये अपने अंदर समा लेता है, ये अपने अंदर समा लेता है। तो एक्वेरियम का वाटर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ये करीब मुझे 1 मंथ हो चुका है इसको वाटर चेंज किए हुए, अभी करना है बट टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वाटर चेंज करूं, ठीक है? और इसका फिल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं।
तो फिल्ट्रेशन में एक्सटर्नल ड्रम फिल्टर का यूज़ करता हूँ जो कि मैं खुद ही बनाया हुआ हूँ। उसके लिए मैंने कूलर का मोटर लिया हुआ है और ये आप देख रहे होंगे ये ड्रम फिल्टर है। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट का भी यूज़ किया है जो कि अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसका वीडियो मैं किसी दिन बनाऊंगा कि अपने मनी प्लांट से ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन करें और अमोनिया स्ट्राइक से कैसे बचे मनी प्लांट या लाइव प्लांट लगा के, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब आ जाते हैं सिल्वर डॉलर कितनी बड़ी होती है। 6 इंच तक सिल्वर डॉलर चली जाती है और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आप इसे कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसे कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं, बट क्या होना चाहिए कि जो फिशेज हों वो थोड़ी पीसफुल हों। सिकलेट्स की वैरायटी आप रख सकते हैं, आप इसमें गोल्ड भी रख सकते हैं, गोल्ड को भी दिक्कत नहीं करेगी। और आप सिकलेट्स की वैरायटी रख सकते हैं, गोल्ड्स की वैरायटी रख सकते हैं, आप टिम्पल बार्ब वैरायटी आती है आप वो भी रख सकते हैं। और आप तो देख ही रहे हैं कि मैं कौन कौन से फिशेस रखा हूँ। ऑस्कर रखा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, आपको पता है। जाइंट गौरामी भी बहुत अग्रेसिव है लेकिन सिल्वर डॉलर के साथ पीसफुल रह रही है। रेड ज्वेल भी रह रही है और ये नाइट फिश है, ये भी बहुत अग्रेसिव है जो कि सिल्वर डॉलर के साथ अच्छे से रह रही है। आप टैंक सेटअप के बारे में जैसे मैंने बताया है कि ड्रिफ्टवुड यूज़ कर सकते हैं, सैंड यूज़ कर सकते हैं, हाइडिंग स्पेस लगा सकते हैं। और मैंने क्या किया है, कुछ मेरे पास स्टोन्स पड़े हुए थे तो ये वेस्ट हो जाते, ख़राब हो जाते, बाहर फेंका जाते, कोई मतलब नहीं रहता, तो मैंने इसे टैंक में ही यूज़ कर दिया है। अब मैं बता रहा हूँ कि सिल्वर डॉलर रख के मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। सिल्वर डॉलर एक कम्युनिटी फिश होती है और ये स्कूलिंग फिश भी कहलाती है क्योंकि ये स्कूलिंग में मतलब ग्रुप के साथ रहने में ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप इसे एक दो के साथ रखेंगे, मतलब एक पेयर दो पेयर, तो क्या होगा कि ये काफ़ी डरी डरी रहेंगे और कुछ दिन बाद डेथ कर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 8 फिशेज रखे थे जिसमें क्या हुआ कि एक कैसे करके डेथ कर गई मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं ज़्यादा घर में नहीं रहता हूँ। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ इनके मेल फीमेल में क्या क्या, अगर मेल है तो क्या डिफरेंस है, फीमेल है तो क्या डिफरेंस है। मेल का जो एनल फिन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। और मेल का सबसे अप्रोप्रिएट पता करने के लिए कि वो मेल है, तो मेल में आप देखेंगे, रुकिए आने दीजिए, तो जो उनके गिल्स के पास 2 ठो ब्लैक स्पॉट होगा, धब्बा होगा 2 ठो ब्लैक कलर का। रुकिए अभी आने दीजिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ फिशेस इसमें मेल हैं कुछ फीमेल हैं। तो क्या होता है कि जब जो मेल होता है उनके गिल्स के पास स्पॉट्स रहते हैं 2 ठो, तो आप उससे समझ जाइएगा कि ये मेल फिश है और फीमेल के कोई स्पॉट्स नहीं रहते हैं। और अभी स्पॉट्स हैं बट अभी क्या हुआ है कि लाइट आई है 1-1.5 घंटे पहले, तो इसका सारा फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑन हुआ है, उसमें लाइट वाइट सब ऑफ रहती है, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, इन्वर्टर से नहीं है। तो लाइट चली जाने की वजह से ये सब थोड़ा डिस्टर्ब होती हैं, इनको अपने मेंटेन होने में 2-3 घंटे तो कंफर्म लगता है वापस। और ये फिश बहुत शर्मीली टाइप की हैं, अगर आप इन्हें एडजस्ट होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। अभी ये फिशेस लगभग एडजस्ट हो चुकी हैं इसलिए उतना दिक्कत नहीं कर रही हैं, नहीं तो ये जाके किसी कोने में बैठ जाती। और आप देख रहे होंगे ये जो फिश है ये कम्युनिटी में है, मतलब एक साथ है, कोई 4 का झुंड बना ले रही है, कोई 3 का झुंड बना ले रही है। अगर ये ज़्यादा फिशेस रहती तो ये काफ़ी और अट्रैक्टिव लगती, बट जितनी भी एक्वेरियम में फिशेस हैं अब ये एक्सेस हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा मैं अगर एक्वेरियम में फिशेस लाऊँगा तो ये जो एक्वेरियम है, ये जो इनका इकोसिस्टम है वो अपने हिसाब से इनको सेट कर लेगा, मतलब उसमें फिश वापस मरना शुरू हो जाएंगी। जब बंद हो जाएंगी तब आप समझ लीजिएगा कि फिश आपकी सेट हो चुकी हैं। तो इसीलिए आप इसमें उतना ही फिश रखिए अपने एक्वेरियम में जितना
वो अच्छे से सर्वाइव करें, स्विम कर सकें, ओवर क्राउडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनका टैंक साइज़ आप 2.5 फीट से लेके मैक्सिमम 10 to 14 फीट तक आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है, और मुझे सपोर्ट करिए